पांचपावली पुलिस की टीम ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी पहुवा नंद किशोर वलाड़े दिन में अपनी टीम के साथ लगभग 2:30 बजे पेट्रोलिंग करते समय लश्करी बाग सेमता मैदान कलकत्ता रेलवे लाइन के पास उन्हें एक संशयास्पद व्यक्ति आसपास घूमते दिखा। पुलिस के पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुरेंद्र होले ऐसा बताया। संशयास्पद व्यक्ति से और पूछताछ करने पर आरोपी से वीवो कंपनी का मोबाइल और साथ ही 2,15,990 रुपए का माल बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार आरोपी पे पांचपावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पहले से 2 शिकायत और MIDC मनकापुर यहां 1 शिकायत दर्ज है। बाइट सदर गुन्हे की जांच पुलिस आयुक्त गजानन राजमाने, सह पुलिस आयुक्त सचिन थोरेबले लकड़गंज इनके मार्गदर्शन में पुलिस संजय मेहणे और उनकी टीम ने की है और आगे की जांच जारी है। बॉडी ऑफेंस सुद्धा त्याच्यावर रजिस्टर्ड आहे। तहसील पोलीस स्टेशन लकड़गंज पोलीस स्टेशन आणि आता पाचपावली मानकापूर आणि MIDC पोलीस स्टेशन अशा पोलीस स्टेशनला त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत। त्याच्या सोबत साथीदार कोणी आहे असं त्यांनी सांगितलं नाही अद्याप आवेतो। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही अधिक चौकशी आणि तपास करत आहोत। सर, चोरी करण्यामागचा उद्देश हेतू काय होता? चोरी करण्यामागचा उद्देश त्याचा फक्त चेन करणे, त्या चोरीच्या मुद्देमाल विकून जे पैसे त्याला मिळतील त्या पैशातून चेन करणे आणि मजा करणे हा एकमात्र उद्देश त्याचा होता। काय व्यसन आहे का? व्यसन आता तो दारूचे वगैरे व्यसन करतो असं त्यांनी सांगितलं, इतर काही व्यसनाबाबत त्यांनी माहिती दिलेली नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।